ऑपरेटिंग लाइन के कितनी तरह के लाइसेंस होते हैं और किस लाइसेंस की कितनी फीस लगती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और क्या बिना कंपनी की परमिशन से आप लोग अपना खुद का लाइसेंस बनवा सकते हो या नहीं बनवा सकते हो और लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है, अगर ये सारी डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हो तो बने रहेगा इस वीडियो में, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइसेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ही वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज में। हैवी इंप्लीमेंट ऑपरेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस, इस लाइसेंस पे आप जितनी भी हैवी मशीनरी है वो आप लोग ऑपरेटिंग एंड ड्राइविंग कर सकते हैं, जैसे कि जेसीबी, व्हील लोडर, एक्सीवेटर, बुलडोजर, ग्रेडर, रोड रोलर या और भी बहुत सारी मशीन जो हैवी कैटेगरी में आती है। इसकी जो ऑफिशियल फीस है वो एक्चुअल में करेक्ट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, करेक्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। इसकी जो एक्चुअल फीस है वो डिसाइड होगी आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि बहुत जगह पे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है दाला में मशीनरी होती है और कई जगह पे नहीं होती है। जहाँ पे छोटे स्कूल है या छोटे ट्रेनिंग सेंटर है लाइसेंस वाले, वहां पे आप लोगों को मशीनरी नहीं मिलेगी, मशीनरी अपने पास से ही लेके जानी पड़ती है। मान लीजिएगा आपको जेसीबी का लाइसेंस बनवाना है या व्हील लोडर का या किसी भी मशीन का, तो वो मशीन आपको अपने ट्रेले पे लोड करके लेके जानी होगी उस स्कूल तक और वहां पे आपको चला के दिखानी होगी, उसके बाद वो आपको लाइसेंस देंगे। हालांकि ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी मशीन लेके जाते हो तो वो लोग 230 रियाल फीस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रियाल लेते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अगर आप लोग अपनी मशीन नहीं लेके जाओगे जहां पे मशीन अवेलेबल है वहां पे, ऐसी सिचुएशन में आपसे 690 रियाल फीस पे कराई जाती है जो इसकी ऑफिशियल फीस है। और इससे अलग आप लोगों को अपना मेडिकल कराना होगा जो कि 100 से 120 या 150 रियाल तक हो जाता है, और उसके बाद आपका अपना लाइसेंस का जो कार्ड होता है प्लास्टिक का वो आप लोगों को लेना होगा। अगर आप 5 साल का लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 220 या 200 रियाल तक देने होंगे, अगर 10 साल का लेना चाहते हो तो 440 या 400 रियाल तक देने होते हैं। और दोस्तों सन 2023 से पहले अगर आपकी कैटेगरी हैवी इंप्लीमेंट में किसी भी मशीनरी की है, जैसे कि सबसे बड़ी जो बिसा कैटेगरी होती है इसमें होती है मशीनरी में मुद्दा तगीला, जिसको सऊदी अरब में बोला जाता है अरबिक में मुद्दा तगीला, जो कि मेरी भी वही कैटेगरी है बिसा कैटेगरी। लेकिन उस कैटेगरी पे आप लोग जितनी भी मशीनरी है वो चला सकते हैं, उसको सीधी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑलराउंडर ऑपरेटिंग, ठीक है। तो उस पे आप कोई भी मशीनरी चला सकते थे सन 2023 से पहले, लेकिन आज के टाइम पे कुछ अपडेट की वजह से आप लोगों की जो कैटेगरी ऐड है या जिस मशीन का आपने वहां पे टेस्ट दिया है जाके, उसी मशीन की जो कैटेगरी ऐड होगी वही मशीन आप लोग अपने लाइसेंस पे चला पाओगे। हालांकि एक बार में आप मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास मल्टीपल मशीन की कैटेगरी ऐड करवा सकते हैं उसका टेस्ट देने के बाद, लेकिन जहां पे मशीन अवेलेबल है वहां पे तो पॉसिबल है, जहां पे मशीन अवेलेबल नहीं है तो इतनी सारी मशीन कैसे लेके जाओगे आप लोग, तो ये सारी दिक्कत उस लाइसेंस पे आती है। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को अपने अफसर अकाउंट से एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, अप्लाई करना होगा, यानी जो कि 2 या 3 दिन या कितने भी दिन की आप डेट फिक्स कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को सुरते में मतलब मुरूर में जाना है अपना वर्गा लेने के लिए, फाइल तैयार करवाने के लिए। तो वो डेट फिक्स करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके अपने अफसर अकाउंट से आप लोग सबसे पहले मुरूर में जा सकते हैं। मुरूर में जाने के बाद आप लोगों को वहां पे कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को वहां से वर्गा मिल जाता है, वैसे तो मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आराम के साथ, अगर कोई भी आपका फॉल्ट यहाँ पे नहीं है तो आप लोग वहां से वर्गा लेके सीधी आप दाला में जा सकते हो जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है यहाँ का। तो वहां पे जाने के बाद आप लोगों से सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी और आपकी जो फाइल है वो जमा करवा ली जाएगी और आपको एक डेट बता दी जाएगी कि इस डेट में आप लोग आ जाना यहाँ पे ट्राई देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आप लोग वहां पे जाओगे, उस डेट को जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और किस किस कैटेगरी में कितनी ट्रेनिंग रहती है वो मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया है हर कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग अपना फाइनल टेस्ट जब आपका होता है तो कोशिश किया कीजिएगा नॉलेज लेके अच्छी जिन लोगों ने लाइसेंस बनवाया उनसे कि पहले ही अटेम्प्ट में आप लोग अपना लाइसेंस क्लियर करो, टेस्ट क्लियर करो, कंप्यूटर वाला भी और वैसे गाड़ी चलाने वाला भी। अगर ये पहली बार में हो जाता है तो आपको अदर चार्जेस कोई नहीं देने पड़ते हैं, हालांकि फेल होने के बाद आपको एक चांस और मिलता है उसमें भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप 2 बार फेल हो जाते हो और तीसरी बार अपना फाइनल टेस्ट कराना चाहते हो तो आप लोगों को बड़े लाइसेंस पे 250 रियाल फीस
अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, और जो छोटे लाइसेंस है 85 से 87 रियाल तक आपको दोबारा से पे करना पड़ता है। और तीसरी बार अगर आप फेल हो गए तो आपको शुरू से जो चार्जेस पूरे पे किए थे आप लोगों ने फाइल फीस, वो आपको पूरे देने पड़ेंगे दोबारा से। अगर तीन बार फेल हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ दिनों के लिए होल्ड पे भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर एक बार फेल होते हो तो 3 या 4 दिन के बाद आपका दोबारा से टेस्ट करा लेते हैं वो लोग, फाइनल टेस्ट जो होता है, और उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। और आप अपना कार्ड जो निकलवा सकते हो, वो कार्ड आपको अगर निकलवाना है दोस्तों 1 साल का भी निकलता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी, 5 साल का भी निकलता है, और 10 साल का भी निकलता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि 10 साल का निकलवाना। 10 साल का जो है उसकी फीस है 440 रियाल, 400 से 440 रियाल। आप लोग 10 साल का अगर निकलवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपडेट कराने की या रेन्यू कराने की दिक्कत फेस नहीं करनी होगी। आप अपनी कंट्री में भी जाओगे तो हो सकता है आपका प्लान ना हो अभी आने का, तो कुछ दिन बाद हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए वो सपोर्टेबल रहे। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग ड्राइविंग या ऑपरेटर लाइन में सऊदी अरब में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं या कर रहे हैं या लाइसेंस बनवाने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, बिकॉज उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ही वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट। थैंक यू।